माय चैनल ईसीएच एजुकेशन। आज मैं आपको चैप्टर 13 क्लास 5 ईवीएस का बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ए, चूज द करेक्ट आंसर। डॉल्फिन्स आर एक्वेटिक मैमल्स। डॉल्फिन मैमल्स है ना। टू, डैश हैव शेल ऑन देयर बॉडीज। किसकी बॉडी पे शेल होते हैं? किसकी बॉडी पे शेल होते हैं? यस, दैट इज टर्टल्स। थ्री, डैश इज अ समर्स प्लांट। समर्स प्लांट कौन से होते हैं? स्टार ग्रास। स्टार फिश नहीं होता ना, स्टार ग्रास। फोर, डैश मॉस्किटो स्प्रेड चिकनगुनिया। चिकनगुनिया किससे फैलता है? एडिस एजिप्टी। ट्रू फॉल्स। वन, लोटस प्लांट हैव हॉलो स्टेम। यस ट्रू। डकवीट इज अ फिक्स्ड प्लांट। फॉल्स। डकवीट तो ऊपर ऊपर तैरता है ना, फ्लोटिंग है, इसीलिए फॉल्स। फ्लोइंग वॉटर इज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटो। फॉल्स। पानी फ्लो वाला रहता है वहाँ मॉस्किटो नहीं पनपते, स्टैग्नेंट वाटर में मॉस्किटो पनपते हैं, है ना। वायर स्क्रीन शुड बी पुट ऑन विंडोज एंड डोर्स टू प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। यस ट्रू। अगर आप एंटरिंग एरिए में जाली वाला गेट लगवा देते हैं तो मॉस्किटो अंदर कैसे आएगा, इतना बड़ा मेहमान है ना। चलिए सी नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। वन, फिशेज ब्रीथ थ्रू देयर। फिश किससे ब्रीथ करती है? गिल्स। टू, एन एनिमल्स विद अ स्पाइनल कोड इज कॉल्ड। जो एनिमल का स्पाइनल कोड रहता है उसे क्या बोला जाता है? वर्टिब्रेट, मीन्स रीढ़ की हड्डी, है ना। थ्री, डैश एंड डैश आर एम्फीबियंस दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। लैंड एंड वाटर मतलब लैंड पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। तो आपकी बुक में स्टार्टिंग में दिया हुआ था फ्रॉग एंड टोड्स। फोर, डैश एंड डैश आर डिजीज कॉज बाई मॉस्किटो। मॉस्किटो से कौन कौन सी बीमारी फैलती है? मलेरिया एंड डेंगू। आप चिकनगुनिया भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए डी नंबर, मैचिंग। मॉस्किटो, मॉस्किटो का आंसर आएगा एनोफिलिस। एनोफिलिस मच्छर, मॉस्किटो। फिर आता है पेलिकन्स। पेलिकन्स का आंसर है वेब ट्वीट। पेलिकन एक बर्ड है ना। थ्री, मॉस्किटो रिप्लेंट। मॉस्किटो रिप्लेंट का आंसर आएगा प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट्स। फोर नंबर, वॉटर, वॉटर पैनीवर्थ। इसका आंसर है हैवेक्स कोटिंग ऑन देयर लीव्स। ओके, ई आंसर है वन वर्ड। वन, अ ग्रुप ऑफ फिशेस। फिश के ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्कूल या शोल। अब तो बहुत इजीली याद कर लोगे, सारे बच्चे ना स्कूल ही याद करने वाले, मुझे तो पता है। टू, एन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो पानी में भी रहते हैं, पानी के बाहर भी रहते हैं। फ्रॉग टोट, दोनों में से कोई एक ही लिखना है ना, दोनों कंपलसरी नहीं है। आप, मुझे पता है आप लोग फ्रॉग लिखेंगे, इट्स इजी। फिर ए नंबर, अ फ्लोटिंग प्लांट। फ्लोटिंग मतलब बहने वाला प्लांट, आप इसे बड़े इजीली याद कर सकते हैं। डक, डक जो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, स्विमिंग करती है ना, है ना। बस उसके आगे वीट लगा दो, घास हो गए, डक वीट्स, इजीली। फोर, अ डिजीज कॉज बाय मॉस्किटो। मॉस्किटो से रिलेटेड आपको एक डिजी बताना है। अगर मलेरिया की स्पेलिंग इजी लगती है तो मलेरिया याद कर लो, डेंगू इजी लगती है तो डेंगू याद कर लो। ओके बेटा, अब आते हैं हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे। तो क्वेश्चन नंबर वन है आपका, व्हाट आर एक्वेटिक एनिमल्स। आंसर इज एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन वॉटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। मैंने आगे एक्वेटिक नहीं लगाया है, लेकिन आपको बोल दिया है तो लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट में एक्वेटिक लगाया है और वो क्वेश्चन मार्क जो है बेटा वो मेरा रॉन्ग है, उसको आप ध्यान मत दीजिएगा, वहाँ फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आपका, एनिमल्स लिव इन वॉटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल। क्वेश्चन नंबर टू, वॉट आर गिल्स। गिल्स क्या होता है? फिशेज ब्रीद थ्रो गिल्स। फिश गिल्स के थ्रू सांस लेती है। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ डू फ्रॉग ब्रीथ अंडर वाटर। अब पानी के अंदर वो किससे लेता है सांस? पानी के अंदर मैंने बताया था मॉइस्ट स्किन से लेता है। फ्रॉग ब्रीथ अंडर वाटर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज मीन बाय स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेंट वाटर वही ना जो एक बंद, मतलब जो फ्लोटिंग में नहीं रहता है, रुका हुआ रहता है और उसमें मच्छर उच्छर पनपते हैं। चलिए आंसर, स्टैग्नेंट वाटर इज द ब्रीडिंग ग्राउंड। एक ब्रीडिंग ग्राउंड है किसका? मच्छरों का, मच्छरों के फलने फूलने की एक जगह है। अब आते हैं आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर वन, लिस्ट थ्री फीचर्स ऑफ फिशेस दैट अलाउ देम टू लिव इन वाटर।
अब आपको तीन फीचर बताना है जिसमें जो पानी के अंदर रहने वाले जो जीव हैं, मतलब सॉरी जो फिशेज है वो रह लेती है। तो तीन फीचर्स है मेरे, पहला है स्ट्रीमलाइन स्पाइंडल शेप बॉडी, उनकी जो बॉडी रहती है ना वो स्पाइंडल शेप रहती है। सेकंड है फ्लैट फिन्स एंड टेल्स, उनकी जो पूंछ रहती है उसके फिन्स और जो स्ट्रेट पूंछ जिसकी वजह से वो पानी में स्विम कर लेते हैं। थर्ड है फिशेज है गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, और फिशेज में रेस्पिरेशन सिस्टम को इंक्रीज करने या रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए गिल्स होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, हाउ आर मैमल्स डिफरेंट फॉर एम्फीबियंस, मैमल्स एम्फीबियंस से क्यों डिफरेंट है। देखो इजिली अगर हम बोला जाए डेफिनेशन में तो मैमल्स तो स्तनधारी होते हैं और एम्फीबियंस होते हैं वो क्या रहते हैं, पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगह रह सकते हैं। तो मैंने इसका डिफरेंशिएट इस तरीके से किया है कि आप इसको और डीपली जाने। मैमल्स में वन नंबर है, मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, तो इधर एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड है। दे ग्रो इंटू लार्ज बॉडी साइज, दे ग्रो इंटू स्मॉल बॉडी साइज, दे यूज लंग्स टू ब्रीथ, दे यूज गिल्स और लंग्स टू ब्रीथ, क्योंकि पानी के अंदर वो किससे गिल से और मॉइस्ट स्किन मैंने बताई थी उससे वो सांस लेते हैं और पानी के बाहर लंग से। दे हैव टीथ टू चिप द फूड एंड दे हैव अ लार्ज माउथ विद स्मॉल टीथ। ओके, ये हमारा डिफरेंशिएट था। अब आता है क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। बड़ा इजी है, एक्वेटिक प्लांट्स किस टाइप के, कितने डिफरेंट रहते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर समर्स एक्वेटिक प्लांट्स, फिक्स प्लांट एंड फ्लोटिंग प्लांट्स। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ कैन वी प्रिवेंट डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, कैसे हम मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारियों को रोक सकते हैं। तो आंसर है आपका, देयर आर सम वेज टू प्रिवेंट डिजीज स्प्रेड। बट स्प्रेड की स्पेलिंग में मैंने ए नहीं लिखा है तो प्लीज आप वहां पर ए मेंशन कर लीजिएगा, बाय मॉस्किटो। वन, थ्रो अवे अनयूज पॉट ट्रैश इन कैन, है ना, हमें ये जो जिस पॉट का हम यूज़ नहीं करते हैं, मटका होता है ना, आपके पेरेंट्स पानी पीने के बाद सॉरी गर्मी निकलने के बाद उस मटके को उल्टा करके रख देते हैं या फिर उसमें कुछ लगा देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, उनको हमें फेंक देना चाहिए ताकि हमें तो गर्मी में दोबारा नए खरीदने ही पड़ते हैं, ट्रैश इन कैंस। ओके, सेकेंड, वायर स्क्रीन कैन बी फिक्स्ड ऑन द विंडो, विंडो के ऊपर या दरवाजे के ऊपर आपको एक जालीदार खिड़की लगानी चाहिए। मॉस्किटो नेट शुड बी यूज व्हाइल स्लीपिंग, और हमें मच्छरदानी का यूज़ करना चाहिए। अब मैं फोर में एक और मिस्टेक हो गई मुझसे, वाटर लिखना था, आर नहीं लिखी हूँ, प्लीज़ आप लोग वहाँ पर आर मेंशन कर लीजिए। वाटर इन द कूलर्स मस्ट बी चेंज, और जो पानी है कूलर के अंदर उसको ज़रूर चेंज करना चाहिए, तीन से चार दिन में बदलते रहिए उसको। तो स्टूडेंट्स, मेरा ये क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन पार्ट बुक वर्क यही खत्म होता है। आई होप आपको बहुत पसंद आए होंगे ये आंसर्स, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। सो मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।